हमारे धर्म में कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज बताए गए हैं जिससे कि पति पत्नी के बीच आपसी संबंध और प्यार बढ़ता है। इनमें से एक है करवा चौथ, और माना जाता है कि जहां करवा चौथ का व्रत रखने से पति पत्नी का रिश्ता आजीवन प्रेम से भरा रहता है, वहीं इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है। आपको बता दें कि वहीं 100 साल के बाद 27 अक्टूबर यानी कि करवा चौथ के दिन पर एक महासंयोग बन रहा है जिसमें पति पत्नी को ये तीन काम जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादातर हर सुहागिन इस औरत का बहुत ही इंतजार करती है और इसमें होने वाली हर विधि को बहुत ही श्रद्धा से पूरा करती है। करवा चौथ के इस पर्व को उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर सुहागन 16 श्रृंगार करती हैं और चांद को देखने के बाद ही कुछ खाना पीना ग्रहण करती हैं। वहीं आज हम आपको ऐसे तीन काम के बारे में बताने जा रहे हैं जो करवा चौथ के दिन करने से पति पत्नी का रिश्ता कई गुना मजबूत हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन महिलाओं को क्या तीन काम करना चाहिए जिससे कि दंपत्य जीवन में मधुरता आती है। पहला, करवा चौथ के दिन भगवान गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के संबंध में मधुरता आएगी। दूसरा, अगर किसी पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो करवा चौथ के दिन आपको सीख वाली झाड़ू की 2 तिल्ली लेनी होगी और उसे उल्टा सीधा के क्रम में रखें और नीले पीले धागे से बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दें। ऐसा करने से पति पत्नी के जीवन में मधुरता आती है और आपका दंपत्य जीवन खुशहाल रहता है। तीसरा, अगर कोई पत्नी चाहती है कि उसका पति केवल उसे ही प्यार करे और किसी पराई महिला को ना देखे तो इसके लिए आपको एक लाल कागज में अपने पति का नाम लिखकर उसे लाल कपड़े में एक गोमती चक्र और 50 ग्राम पीली सरसों के साथ बांधकर कहीं भी छुपाकर उसको रख दे। अगर आप करवा चौथ के दिन ये तीन काम करती हैं तो आपके पति के साथ आपका संबंध बहुत भी मजबूत बनेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनित राय की रिपोर्ट।